मोदी की गारंटी पर भरोसा कर सकते हैं। ए मीटिंग टा ऑर्गेनाइज करा पड़े छे भाई, अखुन जल तो दिया बंद करो। आपने 10 साल मेरा काम देखा है। लज्जा पड़े ना, निर्लज्ज बिहाया फौतावाद झूठावाद तुमने एकटा राजनीतिक दल। ये राशन घोटाले, शिक्षक भर्ती घोटाले में जो लोग जुड़े हैं ना, उनको बचाना चाहते हैं। और तुमरा जो ही कॉन्फिडेंट हो जो तुमरा जीत बे ताले तुमरा रोज लोकर बाड़ी इनकम टैक्स क्यों रेट कराचो, एजेंसी क्यों रेट कराचो। आपने भी देखा है कि टीएमसी के मंत्रियों के घर से नोटों के ढेर निकले हैं। क्यों टाइम नष्ट करते हैं? जिन्होंने नौकरी के नाम पर ये मेरे परिवारजनों को धोखा दिया है, वे लोग उनको बचाना चाहते हैं। कोठाय दुर्नीति करेछे तोमाके प्रमाण करते हबे, मुखे बोलले हबे ना। आप मुझे बताइए, जिन्होंने आपको लूटा है उनको सजा होनी चाहिए कि नहीं? जिन्होंने आपको लूटा है उनको सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 4-5 का केस लिए कंप्लेन छिलो, बाकी छु हमरा संगे संगे संशोधन कर दिए। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको जेल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये पैसा आपका है, किसी को लूटने का अधिकार नहीं है। सिर्फ राजनीति ये चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, खून खराबे की राजनीति ऐसे ही चलती रहे। इतना झूठा कहानी बोलता है, झूठ बोले कौवा काटे। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। अमित जो आज ही अपने पहाड़दार, अमित जो भी जान नहीं। मैं इन भ्रष्टाचारियों को दो टूक कह रहा हूं, आपकी धमकी से कुछ नहीं होगा। ये मोदी है, भ्रष्टाचारियों को सजा दे करके रहेगा। আমি দিল্লি যে দেশে রাজনীতি করি না, আমি এই মাটিতে রাজনীতি করি, আমি আপনাদের মাটির লোক। আনে वाले 5 वर्षों में भ्रष्टाचारियों पर और कड़ी कार्रवाई होगी। 15 लाख रुपया कहा गया, इन चुनावों में टीएमसी को कड़ा संदेश देना बहुत जरूरी है। अभी झूठ बोले का हुआ करते फिर बोलता है, इसी जो रुपया लिया है हम गरीब लोगों को बांट देगा। अरे भाई, वो तो जितना रुपया लिया है वो तो आपका पार्टी फंड में कब चला गया? पश्चिम बंगाल के करोड़ों परिवारों को मुफ्त राशन मिल रहा है। किछु लोग के संगे सबाई के नय, सबाई के हमरा दी, क्योंकि मोदी ने इसकी गारंटी दी थी। 5 केजी चावल मध्य निजर फोटो। यहाँ बंगाल के करीब 40 लाख गरीबों को पक्का घर मिला है। 5000 बारी तैयारी करवार जन्य हमरा राज्य सरकार थेके करबो, सेंट्रल गवर्नमेंटेर दया चाहिना। क्योंकि मोदी ने इसकी गारंटी दी थी। কোথাও কোথাও প্রধানমন্ত্রী এসে বলে আমার নামে নাম দেয় না, কেন দেব? তুমি সব সব টাকাটা দাও তাহলে দেব। পশ্চিম বঙ্গাল কে করোড়ো পরিবারों को पहली बार टॉयलेट मिला, बिजली मिली, गैस मिला, नल से जल कनेक्शन पहुंचा, क्योंकि ये मोदी की गारंटी थी।
বিজেপি পার্টির সিম্বল। লোককে দুটো খেতে দেবে সেখানেও তার প্রচার চাই, এত আত্মপ্রচারে ব্যস্ত কেন? ये टीएमसी के गुंडे आपको वोट देने से रोकते हैं, पूरी हिम्मत के साथ खड़े हो जाइए। इस बार इलेक्शन कमीशन बहुत जागरूक है, आपके एक एक वोट की ताकत वो समझता है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे बंगला में इलेक्शन कमीशन पूरा नजर रखेगा। আরে আপনি বলেন কি, তার মানে কি আমি ইলেকশন কমিশনকেও কিনে নিয়েছেন? বলে দিচ্ছেন রোজ ওকে ট্রান্সফার করো, রোজ ওর বাড়িতে ইনকাম ট্যাক্স পাঠাও, কারে কারে বলে দাও বিজেপি করলে সাদা আর তৃণমূল করলে কালো। বাবা 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 দারুণ। 19 এপ্রিল কো ভারী সংখ্যা মে মতদান করনা হ্যায়। बीजेपी को वोट दो 3000 लक्ष्मी भंडार देंगे। हम बोला 500 दिया कभी, 100 दिया कभी, और कैसे तुम देंगे? ये तो स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, ये नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम नहीं है। अगर तुम्हारा हिम्मत है तो हर परिवार को 50,000 रुपया करके हर महीना में दो, हम देखेंगे तब। लेकिन पहले दो उसको बात बात करो। कुछ बिहार में श्री निशित प्रामाणिक जी और अलीपुर द्वार में श्री मनोज तिग्गा जी को भी भारी मतों से विजयी बनाना है। प्रॉब्लम टा की जाने चार बीए सही पूरो ही। बीजेपी सरकार सीएए लेकर आई है तो ये अफवाहें फैला रहे हैं। माँ भारती पर आस्था रखने वाले हर परिवार को नागरिकता देना ये मोदी की गारंटी है। আমরা এনআরসি করতে দেব না, কে করতে দেব না, কারো অধিকার কে নিতে দেব না। মনে রাখবেন আপনি যখনই অ্যাপ্লাই করবেন সঙ্গে সঙ্গে আপনার লক্ষ্মীর ভান্ডার কোথায় যাবে। ये टीएमसी वाले वामपंथ वाले डराएंगे। अपना ये लिखिए ना होचे आपने अनुप्रवेशकारी अर्थात आपने बांग्लादेश से अनुप्रवेश करे। बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि मोदी तो भारत की जनता जनार्दन का एक बहुत सामान्य सेवक है। তুমি দেশের প্রধানমন্ত্রী, সবাই তোমায় নাম জানে, সবাই তোমায় চেনে। মোরে সাথ বলিয়ে ভারত মাতা কি, দারুণ নাটক। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, বহুত বহুত ধন্যবাদ।